दोस्तों आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल में ब्रेड कॉर्न लॉलीपॉप। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और झट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मजेदार से कॉर्न लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने दो मीडियम साइज के आलूओं को उबाल कर मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बारीक चॉपकी हुई प्याज, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च का स्किप कर दें, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। इसका बहुत ही बढ़िया चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने सभी चीजों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मैंने 5 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, इनके हम चारों कॉर्नर को काट कर निकाल देंगे। मैं इन्हें कैंची से काट रही हूँ, आप चाहे तो इन्हें छुरी से भी काट सकते हैं। ये मैंने 1/4 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/4 टीस्पून नमक। अब हम इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक स्लरी बना लेंगे। ये देखिए हमारी स्लरी बनकर तैयार है। अब हम ब्रेड को बेलन से इस तरह से बेल लेंगे। मैंने ब्रेड को इस तरह से बेल लिया है और अब हम इसके एक कॉर्नर पे इस तरह से स्लरी लगा देंगे और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए कोन की शेप में फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी कोन की शेप बनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर अपना आलू का भुरता डाल देंगे और इसे चम्मच से दबाते हुए नीचे की तरफ कर लें। चम्मच से दबाते हुए हमने अंदर तक अपनी फिलिंग को भर लिया है। अब हम इसके अंदर स्टिक लगा देंगे और ब्रेड के कोने को इस तरह से काट लें। अब हम इसके कॉर्नर पर फिर से स्लरी लगा लेंगे। आप चाहे तो स्लरी हाथ से भी लगा सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी कोन की शेप बनकर तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के सारे कोन लॉलीपॉप बना लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से सभी कोन लॉलीपॉप बना लिए हैं। ये मैंने 1/2 कप ब्रेड क्रम्स लिया है। अब हम अपने कोन लॉलीपॉप को इस तरह से स्लरी में डिप कर लेंगे। और अब इसे ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लें। ये देखिए मैंने इस तरह से ब्रेड क्रम्स से इसे अच्छे से कोट कर लिया है। मैंने सभी को स्लरी में डिप करके ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लिया है। आप इस स्टेज पर इसे 3 से 4 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तेल गर्म होने पर हम इसे तेल में डाल देंगे। हम इन्हें अलट पलट कर सभी तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप इन्हें इफ्तार में बनाएंगे तो आपके घर में सभी ये बहुत शौक से खाएंगे। ये देखिए सभी तरफ कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी हमारे ब्रेड कॉर्न लॉलीपॉप बनकर तैयार है। मैंने टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आज इफ्तार में बनाया आप ये मजेदार ब्रेड कॉर्न लॉलीपॉप।